आज का जो रेसिपी है ना फ्राइड राइस और पुलाव जो बनाते हैं उसका राइस कैसे बॉईल करते हैं, वो भी बासमती राइस। चलो आपको मैं बताता हूँ कौन सा राइस किस तरह से बॉईल करते हैं, आपको बताएगा तो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए हमारा जो राइस है इसका नाम है सेफ सीक्रेट राइस। इस राइस का बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी होता है और राइस जो होता है बहुत लॉन्ग होता है, बहुत बड़ा होता है। देख लीजिए ये हमारा बासमती राइस है, तो ये कंपनी बहुत अच्छा होता है और इसका राइस भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इस राइस का बिरयानी भी बना सकते हो, चाहे तो फ्राइड राइस भी बना सकते हैं इस राइस से, और चाहे तो आप इसका पुलाव भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप स्टीम राइस भी बना सकते हैं। सबसे पहले जो है मैं एक फुट पैन ले लिया हूँ, उसमें 2 kg राइस ले लेता हूँ। देख लीजिए इस तरह से मैं 2 kg राइस ले लेता हूँ। इसके साथ में उसके बाद में इसको वॉश करना है। वॉश करने से क्या है ना दोस्तों, इसका जो स्टार्च रहता है क्लीन कर लेना है। मैं 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ, ताकि जो हमारा नॉर्मल पानी से वॉश कर रहा हूँ। देख लीजिए पहला एक टाइम उसको वॉश कर दिया हूँ, इसी तरह से 3 times इसको वॉश कर लेता हूँ, ताकि जो स्टार्च रहता है ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए और हमको इसको बॉईल करना है। तो ये जो राइस होता है ना दोस्तों बहुत चीज़ में यूज होता है। आप चाहे तो फ्राइड राइस में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो पुलाव भी बना सकते हैं, आप चाहे तो बिरयानी भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ए राइस से खीर भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त होता है इस राइस का क्वालिटी जो है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस तरह से देख लीजिए मैं 3 times को वॉश कर लेता हूँ, ताकि आप भी देख लीजिए मैं 3 times वॉश करके आपको दिखाएगा। तो इस तरह से जो स्टार्च होता है ना निकल जाता है इस तरह से, तो मैं वॉश कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है ना दोस्तों, इसको 1 hour के लिए इसको सोक कर देता हूँ, ताकि जो हमारा राइस है अच्छी तरह से सोक हो जाए। जितना अच्छा सोक होएगा तो और कम टाइम में बॉईल हो जाता है, इसका मेन खास बात ये है। तो सबसे पहले देख लीजिए एक स्टील का लगन ले लिया हूँ, ताकि जो हम लोग उसमें पानी रखें और इसको बॉईल करें। तो हमारा 2 kg राइस है, 6 liters बॉईल करने के लिए पानी ले लेता हूँ इस तरह से, 6 liter पानी। क्या है ना दोस्तों, जब तक राइस बॉईल करने से पहले हमको पानी लेना है और इसको गर्म करना है, ताकि जो हमारा राइस कुक हो सके और बॉईल हो सके पानी। इस तरह से देख लीजिए पानी ले लियो और हमारा राइस जो है बॉईल होएगा। तो उसके बाद में मैं 150 grams 6 liter वाटर में 150 grams सॉल्ट डाला हूँ, ऐड किया हूँ, और हमारा जो राइस था हम अच्छी तरह से सोख हो गया। अभी इसको राइस को स्टेन करता रहो, जो पानी था स्टेन करके अभी राइस जो हमारा जो पानी बॉईल हो रहा है उसमें ऐड कर देता हूँ। देख लीजिए इस तरह से अभी क्या है ना दोस्तों, पूरा इस तरह से हमारा 2 kg राइस ऐड कर दिया हूँ। सबसे पहले तो अच्छी तरह से 3 times वॉश कर दिया हूँ, उसके बाद 1 hour जो है इसको सोक किया हूँ, ताकि जो हमारा राइस अच्छी तरह से बॉईल हो सके और कम टाइम में बॉईल हो सके। तो और राइस जो है ना, जितना अच्छा आप सोक करेंगे उतना अच्छा आपका राइस क्वालिटी अच्छा आएगा। देख लीजिए पूरा राइस डाल दियो 6 liter पानी में, 2 kg राइस है और 150 grams जो है सॉल्ट टू टेस्ट, और 100 grams इसलिए ऑयल डालता हूँ, ताकि हमारा जो राइस एक खुलेगा और दूसरे में क्या है ना अच्छा एक शाइनिंग देता है, राइस का क्वालिटी का शाइनिंग देता है ऑयल की वजह से, और जल्दी से जल्दी बॉईल हो जाता है। इसका खास बात ये है, और आपका जो राइस है ना लम्स नहीं होता है। तो आप जब फ्राइड राइस बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त होगा। आप चाहें तो नॉर्मल सा पुलाव भी बना सकते हैं इस राइस बॉईल करके। देख लीजिए हमारा जो राइस है बॉईल हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। हम लोग जो है स्पीड फ्लेम में रखा हूँ, और जो हमारा राइस 2 kg का जो बॉइलिंग टाइमिंग है वो भी 7 minutes में हमारा राइस बॉईल हो जाता है। इस तरह से देख लीजिए क्या है ना दोस्तों, अभी क्या है ना मैं इसको एक दूसरा सब बर्तन ले लियो स्टील का, देख लीजिए ये है, इसमें स्टेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके, तो डाल देता हूँ। जो हमारा राइस जो है 7 minutes में हमारा बॉईल हो गया, 1 hour इसको सोक किया, 3 times वॉश किया, 100 grams ऑयल डाला, 150 grams सॉल्ट टू टेस्ट इस तरह से पानी में डाला हूँ, सब ऐड किया हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा राइस बॉईल करने का प्रोसेस? आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चाहे तो इस तरह का राइस बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी शेयर किया हूँ, ताकि आप बार बार इस राइस को बना सकें। और उसके बाद में क्या है ना दोस्तों, राइस को इस तरह से मैं टेबल में डाल दिया हूँ, ताकि मैं आपको राइस दिखा सकूँ, और जो हमारा राइस है ना ठंडा भी हो जाए, और हम लोग चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें यूज कर सकते हैं, पुलाव में भी यूज कर सकते हैं और फ्राइड राइस में भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग स्टीम राइस भी यूज कर सकते हैं। ये राइस जो है देख लीजिए, हम लोग 2 kg राइस अच्छी तरह से बॉईल कर दिए, देख लीजिए कितना अच्छा शाइनिंग दे रहा है इस तरह का।
आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टार प्रॉपर्टी शेफ।